नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा एक नया विषय लेकर आता हूं, आज भी एक आपके सामने मैंने नया विषय लेके आया हूं, जो कि एक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा चलाई जा रही, संचालित की जा रही एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम नेचर ग्रोअर प्राली है। इसके नाम में ही एक चुनावी जुमला नजर आता है। हमने इस नेचर ग्रोअर प्राली की कुछ हमारे चैनल के टीम ने पड़ताल की है, जिसके चलते इस कंपनी की कड़िया कुछ इस तरह से सुलझती गई कि जैसे कि मानो एक फूल खिलता हुआ नजर आया। नेचर ग्रोअर प्राली यह कंपनी प्रफुल्ल पटेल द्वारा संचालित की जाती है। यह कंपनी किसानों के लिए एक जुमला है। इस जुमले में केवल सफेद झूठ किसानों के साथ बोला गया है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि स्थानीय किसानों का कहना है। आइए देखते हैं हमारे इस टीम के खास खबर की पड़ताल। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। हम लाखानदूर के करांडला गांव में अभी मौजूद है। यहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री जो प्रफुल्ल पटेल द्वारा शुरू की गई थी, वो जो नेचर ग्रोवर शुगर फैक्ट्री है, उसके वजह से यहाँ के किसानों को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये यहाँ के किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक शक्कर का कारखाना खोला गया था प्रफुल्ल पटेल के द्वारा, उससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? बुढ़ित हो गया सब। क्या हो गया? डूब गए काश्तकार। कैसे डूब गया सर? अरे वो माल नहीं उठाया, कुछ नहीं, कारखाना भी बंद हो गए। तो यानी यहाँ पे जो रोजगार था वो भी चला गया और उसमें जमीन भी चली गई। कितने सालों से किसानी कर रहे हैं सर? 20 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री खोली थी प्रफुल्ल पटेल द्वारा, उससे क्या फायदा और क्या नुकसान? कुछ नहीं हुआ, उसने बहुत आश्वासन दिया था और रोजगार मिलेगा ऐसा करके भूलथापा देके नुक में उभर रहे थे, इसलिए वो गिर गए। तो लोगों को, फिर लोगों की जो ज़मीन ली गई उनको भी कुछ बोला गया था? तुम्हारी दुगने दाम से ज़मीन लूँगा और फैक्ट्री लूँगा, इंडस्ट्री लाऊँगा, ऐसा कर करके उसने भूलथापा करके भाग गया। तो वो जिनकी खेतियाँ आ गई है उनका तो नुकसान हुआ है? हाँ, ये तो बात बराबर है। और वो यहाँ पे फैक्ट्री जब लगाने की बात की गई होगी, तब गांव ने ये सोचा होगा कि रोजगार मिलेगा, यहाँ की पीढ़ियाँ जो है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में उन्होंने तो बहुत गलत किया है। जब रोजगार मिलने वाला था ये लोगों को तो नहीं मिला, बस इतना ही सोचा है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री खोली थी प्रफुल्ल पटेल ने, उसको लेकर गांव में एक दुख है या फिर लोग खुश है? दुख ही और खुश ही है। किस तरह से? क्योंकि अब फैक्ट्री बंद है इसलिए दुख है जी। जब चालू हुई तब वो सुखी थे। तो आपको ऐसा लगता है यानी जब फैक्ट्री चालू थी तब यहाँ के जो स्थानिक लोग है इन लोगों को रोजगार मिला था? रोजगार उतना ज्यादा नहीं मिला था। नहीं मिला। तो वो जो रोजगार जो लोगों को मिला था वो पढ़ाई के दम पर मिला था या फिर जो काश्तकार थे उनसे रिलेटेड मिला था? उसने बाहर राज्य से लोग यहाँ काम करने के लिए लाए थे। यानी यहाँ के स्थानिक लोगों को प्राधान्य नहीं था। यहाँ के लोगों को प्राधान्य नहीं था। और आप लोगों की जो इच्छा थी वो ये थी कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनको मिले, उनको रोजगार मिले, उसके घर द्वार अच्छे रहे, दो वक्त रोटी मिले, ऐसा लगता था पहले। पर अब वो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो कितने साल ये फैक्ट्री यहाँ पे चालू रही सर? दो तीन साल चालू रही। तो दो तीन साल में जिन लोगों को रोजगार मिले थे वो यहाँ के स्थानिक कितने लोग होंगे? वो बाहर के बहुत ज्यादा है और यहाँ के 50 तक लोग लगे होंगे, और झाड़ी पोछा वाले वो गार्ड लोकसभा जितना था पहले, उसलिए उसने वो कारखाना लोगों को लालच दिया, लोगों को लालच लालीपॉप देके। और अभी वो गए, अभी वो कारखाना बंद के ये किया और अपने वो राज्यसभा सदस्य है वो दिल्ली चले गए। यहाँ पे सिर्फ लोगों को लालच दे दिया और चले गए। तो यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री खुली थी प्रफुल्ल पटेल के राज में, तो उससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा हुआ और क्या?
कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रफुल्ल पटेल की शुगर फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना यह है कि यहाँ के कुछ लोगों को जो काश्तकार है, जो किसानी करते हैं मुख्यतः, उन्हें 2-3 साल का पैसा भी नहीं मिला है। 3 साल फैक्ट्री चली, 3 साल फैक्ट्री में जो लेबर लोग थे वो पूरे आउटसोर्स से मंगाए गए थे, यानी यूपी एमपी आउटर साइड लोगों को यहाँ प्राधान्य दिया गया था। और यहाँ के जो लोग थे, लोकल स्थानिक लोग जो थे यहाँ के, उनको एकदम न्यूनतम दर्जे का काम दिया गया था। वो सफाई कर्मचारी और गार्ड के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे थे। और यहाँ के लोगों का सिर्फ कहना यह है कि वो फैक्ट्री चालू हुई जिसके वजह से यहाँ के कुछ लोगों को रोज़गार मिला, पर नुकसान ये हुआ कि जो काश्तकारी कर रहे थे लोग, उनकी ज़मीन चली गई। उसके अलावा यहाँ के लोगों का जो पैसा था वो अभी भी बकाया है उन पर, और फैक्ट्री भी बंद हो गई। हम लाखांदूर के लाखांदूर तहसील के पाउन गांव में अभी पहुँचे हैं। यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल के ज़माने में एक शुगर फैक्ट्री का आविष्कार कह सकते हैं हम, ये किया था उन्होंने। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ये एक लालच दी थी लोगों को कि यहाँ पे शुगर फैक्ट्री आएगी और उससे किसानों को फ़ायदा होगा, या यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार मिलेगा, किसानों को उत्पादन में आमदनी मिलेगी। तो आपको ऐसा लगता है ये राजकीय स्टंट नहीं है, पर ये जो फैक्ट्री चालू हुई थी, ये फैक्ट्री चालू तब हुई थी जब लोकसभा के चुनाव थे, तभी उन्होंने ये चीज़ बोली थी और फैक्ट्री चालू करी थी, और अभी वो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक किसानों को स्टंट होगा मैडम, लेकिन ये क्षेत्र को जो भाई जी की ज़रूरत है, वो भाई जी की बहुत ज़रूरत थी मैडम। जैसे कि लगातार अब हम लोगों ने लगातार उनको 3 पंचवार्षिक जो गिराया है ना उनको, उसका गुस्सा है ये समझो या कुछ भी समझो, लेकिन भाई जी की जरूरत हमारी एरिया में बहुत है। हाँ। पर आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत है? क्योंकि उनने जितने भी प्रोजेक्ट लाए यहाँ पर वो सब फ्लॉप है। क्योंकि देखिए, आप भेल ले लीजिए, उसके बाद उन्होंने लाया वीडियोकॉन तो चालू ही नहीं हुआ। उसके बाद भेल जो प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ चालू किया था, वहाँ कंपाउंड वॉल करके उन्होंने बंद कर दिया। शुगर फैक्ट्री जो आई वो 3 साल चली, 3 साल में भी 2 लोगों का उन्होंने काश्तकारों का पैसा नहीं दिया। शुगर कारखाना था, उसके बाद ठेकेदारी में गया, इसलिए भाई जी ने उसको दुर्लक्ष नहीं किया था, लेकिन लक्ष्य दिया था, लेकिन भाई जी ने अगर ठेकेदारी में डाला था इसलिए, और ठेकेदार लोगों ने क्या कहा था, दूसरे एरिया से लेबर लोग लाया था। भाई जी का विचार था कि हमारे ही एरिया का लाखांदूर तालुके, ये कह सकते हैं कि भाई जी ने कुछ और सोचा था, पर ये जो मध्यान्ह में जो लोग थे ठेकेदारी जो कर रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता जब भाई जी ने ये प्रोजेक्ट लाया था तो उनको पर्सनल यानी व्यक्तिगत तौर पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, या फिर इसे ठेकेदारी में नहीं डालना चाहिए था? लेकिन नुकसान जो भी हुआ वो स्थानिक लोगों का हुआ ठेकेदारी में जाने से। पर लेकिन भाई जी को जनता की, मुझे भाई जी को जब से हमारे 2 जिलों की गरज थी, लेकिन जनता ने उसको पहचाना नहीं था ना, इसलिए जनता ने उसको पहचाना नहीं, भाई जी को उसका गुस्सा आया। अभी पता नहीं भाई जी को गुस्सा आया क्या, राजकीय स्टंट से उसने लिया, वो मुझे मत पता नहीं, लेकिन भाई जी ने जो किया था वो अच्छा ही किया था, लेकिन भाई जी को कुछ लोगों ने ही नहीं टिकने दिया। जैसा कि आपने देखा, प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव हारने के बाद इस कंपनी को ताला जड़ दिया है, जिसके चलते किसानों की भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और किसान अपने फसलों के उचित दाम न मिलने से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लाखांदूर के तीसरे गांव में अभी है, ये तीसरे गांव का नाम है नाग परसोड़ी। यहाँ पर सेम वही वाली प्रॉब्लम है, शक्कर कारखाने से रिलेटेड। हम यहाँ पे लोगों के मन में क्या था, यानी लोगों को इससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इस बारे में हम यहाँ के बुज़ुर्ग लोगों से और यहाँ के आम जनता से, स्थानिक लोगों से बात करेंगे। तो हम अभी रुक करते हैं उनकी ओर। आप किसानी करते हैं यहाँ पर? खेती करते हैं। तो यहाँ पर शुगर की फैक्ट्री लगी थी, यानी शक्कर का कारखाना लगा था यहाँ पर, वो कारखाने से आपको फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान चाहिए ना, अभी या पहले भी नुकसान था? पहले फायदा होता है। पहले फायदा था, किस तरह का फायदा था? किस तरह का फायदा? घुस वाले को। किसको? घुस। गन्ना जो उगाते हैं उनको फायदा था, उसके अलावा यहाँ के स्थानिक लोगों को कोई फायदा नहीं था? नहीं, स्थानिक मजदूर नहीं थे वहाँ पे। स्थानिक में बाहर का, सब बाहर के थे। तो क्या सोचते वो फैक्ट्री दोबारा चालू होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और भंगार में हो गई ना अभी, यानी पूरा
पूरी सड़ गई है। पूरी सड़ गई है। हम अभी नागपड़ सोड़ी से, लाखांदूर तहसील के नागपड़ सोड़ी से पहुंचे हैं आसोला। ये भी लाखांदूर तहसील का ही गांव है आसोला। यहां पर भी हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे उसी शक्कर के फैक्ट्री को रिलेटेड जो यहां पे प्रफुल्ल पटेल के राज में लगाई गई थी जो अब बंद है। 15-20 किसी कोई गांव से 30 कोई गांव से 40 लोग आते थे। तो मैं वही कह रही हूँ, जैसे आप वहाँ पे आपको स्थानिक रोजगार मिला था, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो फैक्ट्री अचानक बंद क्यों हुई। अचानक बंद क्यों हुई यानी? वो फैक्ट्री बंद हो गई ना फिर। प्रफुल्ल पटेल गिर गए इसलिए उन्होंने बंद कर दिए। जब वो चुन के आए थे तो कारखाना चालू किए थे, ये सपोर्ट ही नहीं किया तो और लोगों को क्या करेंगे। यानी ये राजनीतिकरण का चल रहा था, ये सत्ता के वजह से चल रही। और सबसे बेस्ट क्या हो गया, खुद तो चला नहीं रहे थे प्रफुल्ल पटेल। एक साल चलाया। कौन चला रहे थे? प्रफुल्ल पटेल चलाए थे एक साल पहले। साल बजाज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, गारंटी पीरियड में जब था तब एक साल चलाया भाई जी ने। बाद में क्या हुआ, ठेके से देते थे, जो ठेकेदार आए वो क्या करते थे, बाकी कारखाने जैसा प्रफुल्ल पटेल ने चलाया तो 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट तुरंत अकाउंट में डालते थे किसान लोगों के। ठेकेदार लोग 2-2 महीने नहीं देते थे, उसमें क्या हुआ, मनमानी चल रही थी। प्रफुल्ल पटेल की बदनामी हुई ना, उसने सोचा ऊपर से दूसरे बार 5 साल के बाद में गिरा दिए प्रफुल्ल पटेल ने, उसको लगा मैंने कारखाना लगाया। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं और मेरी बदनामी हो रही है, तो गुस्से में पैसे नहीं दे। कारखाना बंद है तो ते प्रफुल्ल शेठ पडले त्या वर्षीपासून, म्हणजे ते पडले आणि बंद केला। बंद केला, बंद केला। हा हा, काऊन बंद केला असेल कारण माहित नाही। आणि तिथे जे गुस्सा था यानी उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया, लोगों के पेट पे लात मारा। हो, लोगों ने पाला उसके लिए गुस्सा किया, यानी उन्होंने लोगों के बारे में सोचा नहीं और फैक्ट्री बंद। हम अभी लाखांदूर तहसील के खैरीपट गांव में मौजूद है। यहां पर भी हम वही एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं कि यहां पे जो भाई जी के राज में एक कारखाना लगा था जो शक्कर का उत्पादन करता था, उससे यहां के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, किसानों की फसल बढ़ी या नहीं बढ़ी, या फिर वो कितने साल चला और यहां के स्थानिक लोगों को उसमें रोज़गार मिला या नहीं। एक कारखाना जो है चलाया उसने, ठीक है, क्योंकि आपले रोजदार जे लोग है, रोजदार जे लोग है, उसका कुछ नहीं मिला ना, उसका जो उत्पादन होता तो भी काश्तकार को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला काश्तकार को, क्यों कुछ नहीं मिला? क्यों कुछ क्यों नहीं मिला तो त्याचा उदाहरण के जो पैसा है अपना काश्तकार को जो अपन काम करने का जो मोबदला मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब वो टन के हिसाब से जो पैसा दे रहा था किसको, काश्तकार को, हाँ। वही भी नहीं मिला। हमने यहाँ के लाखांदूर तहसील के 4 से 5 गांव के लोगों की प्रतिक्रिया जानी। इस नेचर ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड शक्कर का ये कारखाना है, इससे रिलेटेड यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये फैक्ट्री पिछले 3 साल से बंद है और जब ये शुरू थी तब भी यहाँ के स्थानिक लोगों को इससे कोई आमदनी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की फसल जो हो रही थी ये कहने पर उगाई जा रही थी, क्योंकि यहाँ का बेसिक जो स्रोत है इनकम का वो है धान की खेती करते हैं यहाँ के लोग। पर ये आने से यहाँ के लोगों ने गन्ने की खेती करना चालू किया, पर ये कारखाना 2 साल नियमित रूप से चला, उसके बाद 1 साल ये ठेकेदारी पे गया और ठेकेदारी पे जाने के बाद यहाँ पे इस कारखाने की गतिशीलता पे विराम लगने लगा और यहाँ पे जितने भी लेबर थे जो मशीन ऑपरेटर लेबर थे और जो स्थानिक लेबर की यहाँ पे बात की गई थी वो यहाँ के न होते हुए ये आउटसाइड से यानी आउटसोर्स से यहाँ पे लेबर मंगाए गए थे और यहाँ के स्थानिक लोगों को इस फैक्ट्री का कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इस कंपनी से किसानों को काफी उम्मीदें थी रोजगार और फसलों के उचित दाम, लेकिन प्रफुल्ल पटेल इन सारे मामलों में किसानों के साथ धोखाधड़ी करते आए हैं और वे अब चुनाव में इनकी पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ लाइव के साथ।